अभी आ रहा हूं, बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट सुन लो पहले, उसके बाद शीट नंबर 29 जो फर्स्ट लेक्चर में फोर्स में मिली थी उसी को ओपन करो, कोई नई शीट नहीं है, ये यहीं से फोर्स स्टार्ट हुआ था। शीट नंबर 29 जो हमारी पेंडिंग है यहीं से स्टार्ट करेंगे। करा तो दिए अभी, ओपन करो। अब एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं मूविंग पुली का। मूविंग पुली का मतलब आपको हो गया क्या, पहले पुली मूव नहीं कर रही थी, बस ऐसे दिखाने के लिए बनाई थी? नहीं नहीं, घूमती थी, खड़ी खड़ी घूमती थी, एक्सिस पे फिक्स थी, रॉड के साथ फिक्स थी। अब कैसी है, अब घूमती भी है और साथ में नीचे और ऊपर भी आती है। मतलब जब ये ब्लॉक नीचे आएगा तो घूम घूम के ये नीचे भी आएगी, ये नहीं आएंगी, सिर्फ ये आएगी। तो ये मूविंग पुली का कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर क्या खास बात है इसको देखते हैं। पहले एक कॉन्सेप्ट को समझो। इमेजिन करो ये M1 और M2 दो मासेस कनेक्टेड है इन स्ट्रिंग्स के साथ, ठीक। इमेजिन करो कि मैं इस M1 को राइट की तरफ भेजता हूं और ये जो स्ट्रिंग है ये लूज कर देता हूं, या ये इस M1 को राइट की तरफ भेजता हूं बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, तो 1 मीटर राइट कर दिया इसे, और इसे M2 को 3 मीटर लेफ्ट की तरफ। यहां तक क्लियर है? तो 1 मीटर ये नीचे आ गया, 3 मीटर ये नीचे आ गया, तो टोटल स्ट्रिंग नीचे की तरफ कितनी लूज हो गई, 4 मीटर, ठीक। अगर ये स्ट्रिंग बिल्कुल सीधी होती, कोई गोल ना घूमती, तो 4 मीटर डाउन आ जाती। प्रॉब्लम यह है कि स्ट्रिंग 4 मीटर डाउन आई, लेकिन आपने इसको पुली के आसपास घुमा दिया। कहने का मतलब टोटल 4 मीटर, आधी इधर और आधी इधर, तो ओवरऑल 4 मीटर का आधा कितना हुआ, 2 मीटर, 2 मीटर, तो ओवरऑल सिस्टम कितना डाउन आएगा भाई, 2 मीटर, आधा ही आ पाएगा। क्यों? क्योंकि रस्सी को आपने डबल कर दिया। सिंगल होती तो 2+2=4, डबल कर दिया तो 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर इस तरफ, 2 मीटर इस तरफ। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक। तो कहने का मतलब है, फिर रिपीट करता हूं, जब आप दोनों तरफ से स्ट्रिंग्स को लूज कर रहे हो तो टोटल नीचे की तरफ 4 मीटर लूज होती है, पर 4 मीटर में से इस तरीके से घूम जाती है, तो 4 मीटर नीचे जानी चाहिए थी पर वो 2 मीटर जा पाएगी, बिकॉज 2 मीटर इधर से और 2 मीटर इधर से फोल्ड हो रही है ना, इधर से डबल कर दिया आपने। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो लॉजिक ये है कि ये टोटल मास कितना नीचे गया, इसका शॉर्टकट ये बनता है, जो भी यहाँ की डिस्प्लेसमेंट है 1 मीटर, जो यहाँ की डिस्प्लेसमेंट है 3 मीटर, इनको ऐड करके डिवाइड बाय 2, क्योंकि इधर भी है और इधर भी है, तो डिवाइड बाय 2 कितना आएगा, 2 मीटर एवरेज हो जाएगा, ठीक है यहां तक। अब उसी तरीके से मान लो क्वेश्चन चेंज हो गया और क्वेश्चन के अंदर आपको दो मासेस दे दिए, एक मास M1 मूव कर रहा है राइट की तरफ विद अ वेलोसिटी ऑफ V1 और M2 मूव कर रहा है लेफ्ट की तरफ विद अ वेलोसिटी ऑफ V2, तो बताओ ये कितने वेलोसिटी से M3 नीचे आएगा। सेम लॉजिक है, क्योंकि उसमें क्या किया था, x1+x2/2, x की डिफरेंशिएट करोगे तो v आएगा, तो सेम लॉजिक वेलोसिटी में भी लगेगा, तो v1+v2/2 सिमिलरली। और ऐसे अगर क्वेश्चन में गिवन होता इसकी एक्सेलेरेशन a1 है, इसकी a2 है, तो कितनी एक्सेलेरेशन से ये नीचे आएगा, आप बोलेंगे a1+a2/2,
तो शॉर्टकट याद रहेगा। तो इन तीनों में से कुछ नहीं आएगा आपको पेपर में, और ना ही कोई क्वेश्चन आएगा। ये आएगा, ऐसा आएगा कि सपोज करो आपको मास m1 गिवन है मूविंग विद एन एक्सीलरेशन ऑफ a, यहां से ब्लॉक पुली लगाने की बजाय एक दीवार है या यहां पर सीलिंग से बांध दिया, इसे मूवेबल ही नहीं है, तो यहां की एक्सीलरेशन क्या होगी? जीरो। यहां की कितनी है? a। तो बोलो ये डाउन कितना आएगा? अब सेम प्रॉब्लम है, वही a1 plus a2 by 2, a1 की जगह a, a2 की जगह 0, a plus 0 by 2, तो क्या आएगा? सिर्फ a by 2। कोई डाउट इसमें? तो पूरा सिस्टम नीचे आएगा विद एन एक्सीलरेशन ऑफ a by 2। क्लियर? अब जैसे ये लॉजिक का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में लगा के देखते हैं, जैसे क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि सपोज करो आपके पास ये 10 kg या 20 kg, ये एक स्ट्रिंग आई, ये फिक्स्ड पुली है, यहां से घूमे, ये मूविंग पुली है, यहां से घूम के यहां चली गई। ठीक, तो ये स्ट्रिंग आई यहां से यहां चली गई, ये फिक्स्ड है और ये मूवेबल है। ठीक, आपको यहां मास 20 kg गिवन है, ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर स्लाइड करता हुआ जाएगा, आपको पता नहीं इसकी एक्सेलरेशन टेंशन क्या होगी। रूल नंबर वन, स्ट्रिंग ये रही, एक स्ट्रिंग है तो एक टेंशन है, तो टी टी। क्लियर? फिर यहां तक क्लियर है, एक टेंशन है इसमें, फिर इस हिस्से में टेंशन डबल है। क्यों? किया कि नहीं किया? किया है। क्या बोलते थे इसको? थ्रस्ट ऑन पुली। इस हिस्से में डबल टेंशन नहीं होती थी। मैंने क्वेश्चन ऐसा करवाया था एटवुड मशीन पहला लेक्चर, ये एम वन है अगर आपको याद है, ये एम टू है, मैंने कहा था ये टी है, ये टी है, ये टी है और ये टी है, तो यहां पे टेंशन पूछी थी क्या होगी, तो आपने बोला था 2t, याद आ रहा है? इन दोनों का वेक्टर सम याद आ रहा है, तो फिर वहां पर भी 2t। क्लियर है यहां तक? तो स्ट्रिंग के इस हिस्से पर जो पुली के एक स्ट्रिंग लगी होती है वहां पर टेंशन क्या होती है? 2t। कोई डाउट इसमें? क्लियर है? तो अब नेक्स्ट रूल, अगर इसकी एक्सीलरेशन a है तो इसके नीचे आने की एक्सीलरेशन क्या होगी? क्योंकि इसकी a है, इसकी 0 है, तो a plus 0 by 2, a by 2। तो यहां मूविंग पुली के वाले हिस्से पे एक्सीलरेशन हाफ हो जाती है, तो a by 2। क्लियर है? तो याद रहेगा जहां टेंशन डबल है वहां एक्सीलरेशन हाफ है। a by 2 कैसे आया समझ में आया? a plus 0 by 2 वाला लॉजिक सेम। तो अभी क्वेश्चन बनाए, इसका फ्री बॉडी डायग्राम, ये नीचे आ रहा है तो 20g माइनस 2t, इसके नीचे की फोर्स 20g, ऊपर की फोर्स 2t, तो 20g माइनस 2t इज 20 इंटू ए बाई 2, इंपॉर्टेंट है, ए नहीं, ए बाई 2, फर्स्ट इक्वेशन। फिर ऐसी ये कहां जा रहा है? ऊपर जा रहा है, ऊपर की फोर्स कितनी है? टी। नीचे की फोर्स कितनी है? 10g साइन 30, तो नेट फोर्स बोलो टी माइनस 10g साइन 30 इज 10 इंटू ए बाई 2, नहीं 10 इंटू ए। तो इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ए एंड टी कैन बी कैलकुलेटेड। क्या ये पॉइंट समझ में आया? लगा के देखो एक बार, ये लो क्वेश्चन दे रहा हूं, इस पे आपको आंसर बताना है क्या होगा। सपोज इंक्लाइन प्लेन, एंगल 30 डिग्री, दिस इज 5 kg, ये स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग, दिस इज 2 kg, ओ सॉरी यहां पर 2 kg नहीं, यहां पर पहले पुली लगाते हैं कुछ इस तरीके से, ये पुली और ये स्ट्रिंग, ऐसे यहां पर लगा हुआ है 2 kg, आपको बताना है, या 20 kg, 20 kg, ये नीचे आएगा, ये ऊपर आएगा, इनकी एक्सीलरेशन एंड टेंशन बतानी है। आंसर लगा लो ए और टी का। ट्वेंटी जी, ये 20g है, 20 kg,
शेप करने का व्यवहार है जिस पर चीन कड़ी मेहनत करता है। अमेरिका को चीन के आणविक नीतिगत सहयोग से आणविक मुद्दों से चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। चीनी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा ब्यूरो के बौद्धिक संपदा संरक्षण विभाग के प्रधान चांग जी शंग ने 19 जुलाई को चाइना रेडियो इंटरनेशनल के लिए एक इंटरव्यू में कहा कि करने में गति दी जाएगी। बौद्धिक संपदा के उल्लंघन करने वाली कार्रवाई पर सख्त सजा दी जाएगी। देखो जिन लोगों ने डायग्राम चेक करना है, डायग्राम चेक करें पहले। तो सबसे पहले यहां पर इधर चेक करो, ये यहां पे एक स्ट्रिंग जा रही है यहां से यहां, तो स्ट्रिंग एक जा रही है, तो ये टेंशन टी सबने ड्रॉ की, फिर यहां पर टेंशन टी एंड टेंशन टी, ऐसी यहां पर टेंशन टी एंड टेंशन टी, कोई डाउट इसमें? तन्ने क्लियर है? ठीक है यहां तक। फिर मैंने क्या बताया कि यहां तो एक टेंशन है लेकिन इस हिस्से में टेंशन क्या हो जाएगी? डबल। कोई डाउट इसमें? टूटी टूटी क्लियर है यहां तक? फिर इसका वेट कितना नीचे की तरफ बोलो, 20 g, और इसको नीचे की तरफ कितनी फोर्स लगेगी, 5 g sin 30, वही 5 g cos 5 g sin, पर हम तो इंटरेस्टेड साइन में है तो हमने सिर्फ यही फोर्स ले ली। कोई डाउट इसमें? अब इसमें इक्वेशंस ऐसे बनेंगी, अगर ये ए एक्सेलरेशन से ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो ये स्ट्रिंग नीचे आएगी ए के साथ, इस स्ट्रिंग की एक्सेलरेशन 0, ए प्लस 0/2 यानी कि a/2, तो ये नीचे आएगा विद एन एक्सेलरेशन ऑफ a/2। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? क्लियर है? तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इसकी इक्वेशन बनेगी 20 g - 2t इज इक्वल टू 20 into a/2, इक्वेशन नंबर 1। और इसकी इक्वेशन बनेगी t - 5 g sin 30 इज इक्वल टू 5 into a, इक्वेशन नंबर 2। कोई डाउट इसमें? इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का बेस्ट तरीका यही रहेगा, आप इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगी 2t, ये बन जाएगा 10 g sin 30 इज इक्वल टू 10 into a। ये बेटर इक्वेशन है, इससे और इसे ऐड कर दें, 2t से 2t कैंसिल, ऐड करके a आ जाएगा, a आ गया तो फिर t आ जाएगा, a आ गया t आ गया, तो इसमें 4 आंसर बनेंगे। आप बोलेंगे कि इसकी जो एक्सेलेरेशन है वो a, तो इसकी कितनी a/2 हाफ करके, दोनों की एक्सेलेरेशन डिफरेंट है। फिर आप बोलेंगे इसकी टेंशन t, तो इसकी टेंशन डबल करके 2t। कोई डाउट इसमें? तो आंसर खुद निकाल लेना, बट पॉइंट समझ में आ रहा है कि इसमें करना क्या है। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना प्लीज। इसके अंदर एक पुली है और 2 ब्लॉक्स हैं, इसमें स्टेप चेक करना, एक मिनट।
देखो इस क्वेश्चन के अंदर, इधर देखो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले ये एक ब्लॉक है 10 kg, फ्रिक्शन नहीं है इसमें। एक ब्लॉक है 20 kg, फ्रिक्शन नहीं है इसमें। और ये मूविंग पुली है, ये गिवन कर लेना मूविंग पुली है, मतलब नहीं तो ऐसा फिक्स पुली है तो फिर खींचते रहोगे कुछ भी नहीं होगा। तो अगर ये मूविंग पुली है और ये घूम के आगे आ सकती है, आपने इसके ऊपर फोर्स कितनी लगाई, 100 N, तो ये पुली आगे मूव करेगी घूम के। तो ये हिस्सा तो मूव नहीं कर सकता, वॉल के साथ अटैच्ड है, पर ये वाला पोर्शन क्या होगा, अब आगे की तरफ मूव करेगा क्योंकि पुली को आगे जाना है तो इसको भी आगे जाना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक? क्योंकि ये दीवार तो मूव करने कर नहीं सकती, कोई डाउट इसमें? तो इसमें अगर ये आगे जा रहा है विद ए और एक रस्सी में टेंशन टी एन टी सही है, टी 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 टी, और यहां पर टेंशन टू टी टू टी। क्लियर है यहां तक? और हमने क्या देखा कि अगर ये ए के साथ मूव करता है ये जीरो, तो ये वाला हिस्सा ए प्लस 0/2 यानी कि ए बाई टू। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगा, 100 - 2t इज इक्वल टू 20 × a/2, और इसके लिए t इज इक्वल टू 10 × a। इन दोनों को सॉल्व करके a एंड t कैन बी कैलकुलेटेड। a आ गया तो a/2 भी आ जाएगा, t आ गया तो 2t भी आ जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि मूविंग पुली को कैसे सॉल्व करना है आपको? ठीक है यहां तक? नेक्स्ट, मैंने लास्ट टाइम टेस्ट में क्वेश्चन भी डाला था, फाइंड एक लिफ्ट वाला केस था, लिफ्ट में अपरेंट वेट निकालो। देखो किसी भी मैन का जो एक्चुअल वेट है वो तो mg ही होता है, किसी भी मैन का एक्चुअल वेट mg होता है। तो mg की वैल्यू जो है वो एक्चुअल वेट है, बट जब वो लिफ्ट में मूव करता है, जब वो लिफ्ट में एक्सेलरेट करता है, जब वो लिफ्ट में एक्सेलरेट करता है, तो लिफ्ट अगर नीचे या ऊपर एक्सेलरेट कर रही है तो उसका नॉर्मल रिएक्शन चेंज हो जाता है m·g - a या m·g + a। तो जो नॉर्मल रिएक्शन उस टाइम वो एक्सपीरियंस करता है वो बेसिकली उसकी एपरेंट रीडिंग होती है, एपरेंट वेट बनना चाहता है। तो उस टाइम नकली वेट या एपरेंट वेट, क्योंकि एक्चुअल वेट तो mg होता है, उसका वेट इसलिए चेंज होता है क्योंकि सूडो फोर्सेज एक्ट करनी स्टार्ट कर देती है। ठीक, तो नॉर्मल रिएक्शन इटसेल्फ का मतलब क्या होता है, कैलकुलेटिंग दी एपरेंट वेट। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक मैन लिफ्ट में है, लिफ्ट में उसका वेट एक्ट करेगा mg और नॉर्मल रिएक्शन n, r लेने r ले लो, n लेने n ले लो, एक ही बात है। तो आपको यह बताना है लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट कर रही है तो एक्सेलरेशन बताओ कि उस मैन का एपरेंट वेट कितना हो जाए, mg/4। ठीक, उसका वेट mg ना रहे, mg/4 हो जाए। तो जब लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट करती है, नॉर्मल रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, m·g - a। नॉर्मल रिएक्शन कितना लेना है इसमें, एपरेंट वेट यानी कि mg/4, m से m कैंसिल, तो ये वैल्यू आ गई, g वाली टर्म एक तरफ, a वाली एक तरफ, तो आंसर आ गया 3g/4। नॉर्मली आपको क्वेश्चन में a गिवन होता है, आपको n निकालना होता है, इस क्वेश्चन में आपको n गिवन है और a निकालना है, कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, तो फिर बताओ कि अगर एक मैन लिफ्ट में है और लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट कर रही है, एक लिफ्ट है, ये इसका मास 50 kg है, तो ये 50g है, नॉर्मल रिएक्शन n है, लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट कर रही है बाय, या एक्सेलरेट नहीं कर रही, रिटार्ड कर रही है, सपोज रिटार्ड कर रही है विद g/4, तो बोलो n की वैल्यू इसमें क्या होगी, एपरेंट वेट क्या होगा? लिफ्ट वाले तीन दो केस किए, चेक कर लिफ्ट वाले, इसी असाइनमेंट के अंदर चेक कर लिफ्ट वाले केस, चेक कर, तीन लिफ्ट बनी हुई है। Okay.
ओके देखो तो इसके अंदर फॉर्मूला क्या लगेगा नॉर्मल रिएक्शन में, जब लिफ्ट नीचे एक्सलरेट करती है, मैंने बोला जब एक्सलरेट करती है तो एम इंटू जी माइनस ए, जब एक्सलरेट करती है, जब रिटार्ड करती है तो ए की वैल्यू नेगेटिव, मैंने शीट में लिख के भी दिया था सेम कॉन्सेप्ट। तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू मास 50 है, जी माइनस ए की जगह कितना माइनस जी बाय 4, तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू 50 जी प्लस जी बाय 4 5 जी बाय 4, तो 50 इंटू 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 4 न्यूटन इज द आंसर। जी को 10 पुट कर लेना, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। तो जी को आपने एक्सेलरेशन को अब आपने नेगेटिव लेना है क्योंकि इसमें क्या हो रही है रिटार्डेशन। अगर ये क्वेश्चन एक्सेलरेशन का होता तो फिर इसमें क्या होता जी बाय 4 पॉजिटिव। कोई डाउट इसमें, अगर क्लियर है पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके पहले मुझे एक बात बताओ, ये क्वेश्चन कितने लोगों को लगता है कि मिलता जुलता क्वेश्चन हमने किया हुआ है? मिलता जुलता ये क्वेश्चन हमने किया, और ये क्वेश्चन ना कंपटीशन में बहुत बार इस तरीके, देखो सच बताऊं मैं आपको, नीट और जो मेंस आने वाले हैं ना वो ऐसे आने वाले हैं, बस छोटे छोटे तीन चार लाइनर क्वेश्चन है, इतने ही आते हैं बस। बस इसको रिटेन करना है, और याद तो बिल्कुल भी नहीं करना, ऐसे ट्रिक्स बनाने हैं अपनी अपने खुद के कि आपको कोई फॉर्मूला ना याद करना पड़े, और किसी वक्त आपको क्वेश्चन आ जाए ना बस वो आप ट्राई कर सको। बस जो लोग बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन ट्राई करके उसी टाइम सॉल्व कर दे किसी भी मंथ में, उसकी सिलेक्शन पक्की है। जिसको जरूरत पड़ेगी मैं देख लूं टेंशन कैसे बनती है, एमजी कैसे बनता है, फिर यार फिर उसका फायदा उसे उस दिन भी नहीं बनेगी। आप इसको याद ना करें, आप प्रैक्टिस कर करके अलग अलग क्वेश्चन में ट्राई कर करके बस एक कॉन्सेप्ट बना लें। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये गिवन है कि एक मान लो एक मैन है, ये कहाँ चढ़ना चाहता है, ये ऊपर चढ़ना चाहता है। तो ठीक है ऊपर चढ़ाते हैं, टेंशन इसमें टी एन टी क्लियर है यहाँ पर, और वेट इस मैन का कितना है, एमजी।
देखो कुछ भी समझ में नहीं आता, एटलीस्ट ये तो समझ में आता है अगर ये मैन ऊपर जा रहा है तो ऊपर की फोर्स कितनी है टी और नीचे की फोर्स कितनी है एम जी। तो क्योंकि ये ऊपर जा रहा है तो टी माइनस एम जी इज इक्वल टू क्या था एम ए। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक। प्रॉब्लम उन लोगों को, कई बार कुछ लोगों को हो जाती है कि मिनिमम मैक्सिमम क्या करता रहता है, हो तो क्या आंसर सॉल्व। देखो मिनिमम मैक्सिमम का चक्कर ये है, अगर वो बहुत तेजी से ऊपर चढ़ेगा, बहुत तेज, देखो चढ़ने का भी स्टाइल है, आराम आराम से चढ़ेगा या तेज एक्सेलरेट करेगा, अगर वो तेज एक्सेलरेट करेगा ए ज्यादा होगा तो टी की वैल्यू भी ज्यादा होगी, क्योंकि अगर राइट हैंड साइड ज्यादा होगा तो लेफ्ट हैंड साइड भी ज्यादा होगा। कोई डाउट इसमें? तो अगर ए ज्यादा होगा तो टी भी ज्यादा, क्योंकि एम जी तो कॉन्स्टेंट है। इसका मतलब अगर कोई मैन बहुत तेजी से चढ़ता है ऊपर तो ए बहुत ज्यादा, अगर बहुत ज्यादा तेज चढ़ता है ए बहुत ज्यादा कर देता है तो टी बहुत ज्यादा हो जाएगा, टी ज्यादा होगा तो हो सकता है कि उसकी रस्सी टूट जाए, क्योंकि ज्यादा टेंशन हो जाएगी तो रस्सी टूट भी सकती है। तो इसलिए अगर रस्सी से ऊपर चढ़ना है आराम आराम से चढ़ना है, क्योंकि स्लो रखोगे ए तो फिर टी भी कम ही रहेगा। क्लियर है? इसीलिए बोला जाता है अगर ए मैक्स है तो टी भी मैक्स हो जाएगा, तो अगर एक्सेलेरेशन मैक्सिमम करोगे तो टेंशन भी मैक्सिमम हो जाएगी। क्लियर है यहां तक? तो अब इस क्वेश्चन में ये कहा है कि टेंशन मैक्सिमम की वैल्यू 100 है, तो इक्वेशन समझ में आ रही है? तो इक्वेशन मैंने इसे यहां लिख भी थी, टेंशन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है 100 है, मास 50 है और 5 है, तो एक्सेलेरेशन मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी ए मैक्स, वो ज्यादा से ज्यादा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर चढ़ सकता है। कोई डाउट इसमें? हमने जो क्वेश्चन किया था वो नीचे उतरने का था, कि रस्सी से वो नीचे उतर रहा है, ये क्वेश्चन है रस्सी के ऊपर चढ़ने का। अगर तो नीचे उतरेगा फिर एम जी माइनस टी इज एम ए, अगर ऊपर चढ़ेगा तो टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, जो भी कहेगा आप कर लेना क्वेश्चन में। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है, सपोज एक ट्री है, एक मंकी है, मंकी थोड़ा बड़ा है, 60 किलो का मंकी है, भारी मंकी होगा, ठीक 60 केजी का मंकी है, रस्सी पे चढ़ता है और ये रस्सी यहां से ट्री से होती हुई इस क्लैंप पे है, क्लैंप खूंटा बांध रखा है, क्लैंप लपेट दिया और वो चढ़ना स्टार्ट कर रहा है। अब हो सकता है कि अगर वो भारी होगा और तेज चढ़ेगा, क्योंकि जितनी तेज ऊपर एक्सेलेरेट करेगा टेंशन बढ़ जाएगी, अभी सीखा ए ज्यादा होगा तो टी बढ़ेगा, टी बढ़ेगा तो हो सकता है क्लैंप उखड़ जाए। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, व्हेन अपवर्ड फोर्स 360 न्यूटन ऑन द क्लैंप, क्लैंप के ऊपर अपवर्ड फोर्स, देखो अपवर्ड फोर्स लगाएगी, मैंने तो टच नहीं किया, रस्सी फोर्स लगा रही है, से रस्सी खींच रही है, तो रस्सी में क्या है टेंशन टी, एक रस्सी है तो एक टेंशन टी एन टी, टी एन टी, क्लियर है? इस टेंशन 30 डिग्री पे एक्ट कर रही है, तो टेंशन के दो कॉम्पोनेंट होंगे टी कॉस 30, टी साइन 30, तो इस क्लैंप पे अपवर्ड फोर्स कितनी लग रही है टी साइन 30, तो कह रहे अपवर्ड फोर्स टी साइन 30 मैक्सिमम कितनी हो सकती है 360, अगर 360 से ऊपर होगी तो क्लैंप निकल जाएगा। तो क्वेश्चन में 360 टी नहीं गिवन, क्वेश्चन में टी साइन 30 गिवन है, क्वेश्चन में टी साइन 30 गिवन है। और हां किसने मैक्स बोला, बिल्कुल सही, क्योंकि 360 मैक्सिमम वैल्यू है तो टेंशन की वैल्यू भी यहां पर मैक्सिमम ही आएगी, क्योंकि इसके ऊपर तो ये उखड़ जाएगा। कोई डाउट इसमें? तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि 360 की वैल्यू क्या गिवन है। कई लोग ऐसे कर लेते हैं, टेंशन को 360 मान लेते हैं, ना उसने बोला अपवर्ड फोर्स, तो क्लैंप के ऊपर अपवर्ड फोर्स कितनी है 360, तो इसका मतलब टी साइन 30 इज इक्वल टू 360, तो टेंशन यहां पर मैक्सिमम होगी, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या निकालना है, मैक्सिमम एक्सेलेरेशन ऑफ द मंकी, तो अगर एक्सेलेरेशन मैक्सिमम है तो टेंशन भी मैक्सिमम है, टेंशन अगर मैक्सिमम है तो टी साइन 30 भी मैक्सिमम है, टी साइन 30 मैक्सिमम है, तो यहां से मैक्सिमम टेंशन सॉल्व करके कितना आ गया 720। अब क्योंकि ये मंकी कहां जा रहा है ऊपर, तो टी माइनस एम जी इज इक्वल टू 60 इंटू ए, इक्वेशन क्या बनेगी, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो टी बड़ा होगा और एम जी 60 जी छोटा होगा, तो टी माइनस 60 जी 60 इंटू ए, तो टी माइनस 60 जी 60 इंटू ए, क्योंकि टेंशन हम मैक्सिमम के साथ काम कर रहे हैं तो ए भी ऑटोमेटिकली क्या आएगा मैक्सिमम, तो मैक्सिमम टेंशन की वैल्यू को पुट कर दो 720, ए मैक्स निकाल लेना आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है, जब भी कोई बॉडी ऊपर चढ़ेगी रस्सी से एक्सेलेरेशन अगर मैक्सिमम होगी तो टेंशन भी मैक्सिमम ही होगी, बस ये रूल है। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें?
इस क्वेश्चन को समझो। इस क्वेश्चन में यह गिवन है कि दो मंकी हैं, एक 5 किलो का, एक 2 किलो का। इस मंकी ने इस रस्सी को पकड़ा हुआ है और रस्सी टाइट है, ये इसकी टेल है, इस टेल को इस मंकी ने पकड़ा हुआ है और टेल इज एक्टिंग लाइक अ स्ट्रिंग। अब क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों ऊपर चढ़ रहे हैं और मैक्सिमम टेंशन जो इस मंकी की टेल टॉलरेट कर पाएगी वो 30 न्यूटन है। तो अगर 30 न्यूटन से ज्यादा टेंशन हो गई तो फिर इसकी पूंछ टेल टूट जाएगी, टेल टूट जाएगी, रस्सी टूट जाएगी। तो आपको ये बताना है कि इस रस्सी में टेंशन क्या होगी, बस आपको कुछ नहीं गिवन, आपको मासेस गिवन है और सिर्फ मैक्सिमम टेंशन गिवन है। सोचो और देखो इसमें क्या किया। क्वेश्चन में आ गया, दो मंकी इकट्ठे चढ़ रहे हैं, एक स्ट्रिंग पे चढ़ रहा है, एक उसकी टेल के साथ लटका हुआ है, दोनों चढ़ रहे हैं, टेल की मैक्सिमम टेंशन पता है और फिर रस्सी की टेंशन निकालनी है। हाँ, इसमें सेम लेनी पड़ेगी, मेरे ख्याल से दोनों इकट्ठे चढ़ रहे हैं, सेम एक्सेलरेशन, अलग अलग कैसे चढ़ सकते हैं, पकड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है, उसने से पकड़ा हुआ है तो दोनों की एक्सेलरेशन सेम है, नहीं तो क्वेश्चन में और कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, उसकी अलग फिर रिलेटिव मुश्किल हो जाएगा। कितने लोगों को समझ में आ गया इसमें क्या हुआ? देखो, सबसे पहले इस टेल की मैक्सिमम टेंशन गिवन है, तो जब ये मंकी ऊपर चढ़ रहा होगा तो इसकी एक्सेलेरेशन क्या आएगी? ऑटोमेटिकली मैक्सिमम आएगी। तो हमने क्या किया, इस मंकी की जगह ब्लॉक्स बना लिए, एक ही बात है, पहला मंकी 5 kg का, दूसरा मंकी 2 kg का, नीचे की फोर्स 2g है, नीचे की फोर्स 5g है, यहां पर टेंशन मैक्सिमम है, कितनी है? 30 न्यूटन। मतलब इस तरीके से लटका हुआ है कि इसकी टेंशन मैक्सिमम है। तो मुझे समझ में आ रहा है कि अगर इसकी टेंशन मैक्सिमम है जो कि 30 न्यूटन है और पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है तो ये भी ऊपर जा रहा है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम में ये ऊपर जा रहा है, तो ऊपर की फोर्स माइनस नीचे की फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, मींस 30 - 2g इज इक्वल टू 2 × a। तो यहां से a आ जाएगा, चाहो तो यहां पे t मैक्स है तो ए मैक्स बोल सकते हो, ये मैक्सिमम एक्सेलेरेशन है जिससे कि मंकी ऊपर जाएगा क्योंकि टेंशन मैक्सिमम है। तो इसकी अगर एक्सेलेरेशन 5 है तो इसकी भी 5 है, तब फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनेगा, दोनों इकट्ठे जा रहे हैं विद ए इज इक्वल टू 5, तो इसके ऊपर की फोर्स क्या है? टी। इसके नीचे की फोर्सेस कितनी है? 30 और 5g। तो टी माइनस 30 + 5g इज इक्वल टू 5 × a, फ्री बॉडी डायग्राम फॉर ए। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 5।
पुट करके टी कैन बी कैलकुलेटेड और सी टेंशन कैन बी कैलकुलेटेड। तो नीचे की टेंशन आपको एक्सेलरेशन देगी और ऊपर की एक्सेलरेशन आपको टेंशन देगी, दो इक्वेशन बनेगी। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? ठीक, तो चलो ये शीट खत्म होती है। लंबी शीट थी वैसे, ये काफी इसमें टाइप्स बनाए हुए हैं और काफी कवरेज है इसमें फोर्स की। दो ही शीट्स हैं, एक और शीट है वो भी मैंने आज नहीं दी, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा तो अभी क्या है वो नेक्स्ट टाइम ही शुरू करेंगे। ऐसी ही एक और शीट है जो और वैरायटी कवर करेगी और प्रैक्टिस करेंगे।